में जो वर्षावास का सिस्टम है, इसी को देख करके आप देखेंगे गौर से, एक महीना दूसरे लोग उसको क्या नाम देते जानते हैं? रमजान, सुना है? इसमें क्या करते हैं लोग रमजान में? रात को खाना खाते, दिन में नहीं खाते। नहीं, सूरज उगने से पहले खा लेते और सूरज डूबने के बाद खाते, सूरज में नहीं खाते। तो हमारी परंपरा को अपने हिसाब से उन्होंने तोड़ा और उस परंपरा को अपने तरीके से लगाया। देखिए, तथागत बुद्ध ने वैज्ञानिक तरीके से हर बात को कहा। उन्होंने कोई भी बात अवैज्ञानिक तरीके से नहीं कही जिसे कोई काट सके। 2600 साल पहले से अभी तक बुद्ध की कही हुई बात पर कोई भी आदमी कलम चलाने की हिम्मत नहीं जुटा सका, क्योंकि बुद्ध ने आर्य अष्टांग मार्ग दिया। दूसरे लोगों ने बुद्ध को मिलाने की कोशिश की, लेकिन आर्य अष्टांग मार्ग ऐसी व्यवस्था है उसमें कुछ कम ज़्यादा नहीं होता। आज देखो, कुछ लोग बड़ी तालियां पीट रहे हैं, चंद्रयान चला गया, बड़ी खुशी की बात है, लॉन्च हो गया। हो सकता आपकी पीढ़ी ना देख पाए, मैं हो सकता देख के जाऊँ कि चंद्रमा पर भारत अमेरिका के लोग रहने लगे। तो फिर भारत की महिलाएं जो करवा चौथ रहती हैं, वे कैसे रहेंगी उपवास? व्रत खत्म हो जाएगा। जब चंद्रमा पर रहने लगेंगे तो करवा चौथ क्या होगी? समझना इस बात को है, अगर कहीं स्वर्ग होता या नर्क होता तो विज्ञान खोजता कि नहीं खोजता? इसका मतलब नहीं है, झूठ है। क्योंकि धर्म धरती पर रह गया तो विज्ञान चांद पर चला गया, मंगल पर चला गया। इससे पहले मंगल पर भी हमारे भारत की लेडीज जा चुकी, जिसका नाम है सुनीता विलियम। सुना है ना? सुनीता विलियम भारत की, वो मंगल ग्रह तक जा चुकी हैं। वो शरीर का ये ज्ञान गया तो खुशी मना रहे, नाच रहे। सुनीता विलियम उसके पहले रह के आई मंगल ग्रह तक, उसको खुशी इसलिए नहीं आ रहा भाई, ताकतवर अहम की बीमारी। बुद्ध ने जो बात 2000 साल पहले कही विज्ञान का आधार पर, क्योंकि बुद्ध के जितने शिष्य थे अधिकतर लोगों ने नास्तिकता अपनाई, क्योंकि बुद्ध सिखाते थे वैज्ञानिक आधार, लोग सोचते थे कोई मतलब नहीं है। अब एक समय एक राजा थे, अब राजा तो भैया भगवान बुद्ध का शिष्य था, वो नास्तिक, तो भगवान बुद्ध को भी नास्तिक कहते थे लोग। ये पूजा पाठ बताते कोई मतलब नहीं, कहीं स्वर्ग कहीं नर्क में, ये कर्म और शील की व्याख्या प्रज्ञाशील समाधि तो बोलते हैं, भगवान बुद्ध को भी नास्तिक। तो राजा तो पूजा पाठ करता नहीं था। अब एक चालाक आदमी था, महाराजा के पास पहुंचता, कहता आप तो नास्तिक है। अरे हाँ, तो ये इतनी मूर्ति लगी, इन पे क्या थूक सकते हैं? अब मूर्ति किसी महापुरुष की लगी हो उसमें कोई कैसे थूक सकता? भरी सभा में उसने कहा राजा तेज तो होते हैं। राजा ने कहा इसका उत्तर 8वें दिन देंगे, भरी सभा में देंगे, ठीक है। अब वो अपने घर गया, महाराजा ने आदेश दिया इसके माँ बाप को पकड़ लाओ, माँ बाप को जेल में बंद कर दिया, बढ़िया सुंदर सी मूर्ति बना के उसके घर भेज दी। चौथे दिन जब उसके माँ बाप गिरफ्तार कर लिए गए तो महाराजा को पता, अरे अरे, और जैसी मूर्ति पहुँच गई तो क्या कहा महाराज ने, मूर्तियों को नहलाओ धुलाओ खाना खिलाओ बढ़िया से, बाबा मेरे पास। 8वें दिन जब वो आया, राजा ने कहा मूर्तियों खिलाओ पे आराम से, नहलाओ धुलाओ, गिड़गिड़ाने लगा।
जब गिड़गड़ाने लगा तो राजा ने कहा ये जो सिंबल है मूर्ति है ये देखने के हैं, इनको संभाल कर रखा जाता है। तुम कह रहे तुम पूजा पाठ करते हो ना, तो भगवान की पूजा करते हो, भगवान के पास पहुँच जाता, किसी मूर्ति को नहलाते धोलाते खिलाते, अपने माँ बाप को नहलाओ धोलाओ खिलाओ, उनके पेट में चला जाएगा, वो तो हमारे पास बंद है जेल में। अरे महाराज मर जाएंगे, रोने लगा। भैया तुझे पता नहीं है सच्चाई माने नास्तिकता, ये नहीं, नास्तिकता का मतलब कुछ और है, सत्य को स्वीकार करना, सत्य वाले को ही नास्तिक कहा जाता है, और जो झूठ अंधविश्वास पाखंड को मार रहा वो ना आस्तिक है ना नास्तिक है, वास्तविकता की जानकारी ही नास्तिकता है। क्योंकि सत्य को स्वीकार करना, बहुत पढ़े लिखे हो, वास्तव बोले कहते बहुत ज्ञानी हो, तुम्हें परख नहीं है, सत्य बोलने की हिम्मत नहीं है, तो भाई सच्चा किसी काम की नहीं, दो पड़ी की क्यों कहते हैं? क्योंकि बुद्ध उस काल में भी, बुद्ध ने कहीं कोई यूनिवर्सिटी खोली क्या, कोई कॉलेज बनाया क्या, लेकिन लोगों को समझाया सत्य के मार्ग पर चलना है, सत्य को स्वीकारना है, यह परख होना चाहिए, झूठ कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, ये किस उद्देश्य से बोल रहा है। 2500 साल पहले वैज्ञानिकता का एक फार्मूला था बुद्ध के पास, बुद्ध ने अपने जीवन में किसी को कोई आंसर नहीं दिया। आप पूरे त्रिपिटक को अध्ययन करेंगे ना, किसी को कहीं कोई आंसर नहीं दिया। अगर सामने वाले ने क्वेश्चन किया तो बुद्ध ने और एक क्वेश्चन कर दिया और उसी क्वेश्चन में उसका उत्तर मिल गया। पूरा त्रिपिटक को अध्ययन करने के बाद ये पता चलता बुद्ध बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, खोजी थे। तो कोई 7 साल जो ध्यान साधना करके जंगल में यही अरे अष्टांग मार्ग का दर्शन था, कोई बात को इतने तार्किकता से कहा जाए तो लोग अपने आप समझ जाए, उन्हें उत्तर देने की जरूरत नहीं पड़े। मैंने शायद इसके पहले कहा होगा, राजा प्रसेंजित के पिताजी खत्म, राजा प्रसेंजित के पिताजी खत्म हो गए, और महीना दो महीना तीन महीने के बाद प्रसेंजित को रात में सपना देखा कि पिताजी दिखाई दिए। अब राजा तो राजा ठहरा, राजा ने बहुत सारे ब्राह्मण पंडित पुजारी बुलाए और उनसे पूछा कि मेरे पिताजी मुझे रात के सपने में दिखाई दे रहे हैं। भैया वो तो बिजनेस वाला आदमी, उसने कहा 100 यज्ञ कराओ और 100 ब्राह्मणों को खिलाओ तब आपके पिताजी मुक्त होंगे। आपके पिताजी मुक्त हुए नहीं। सुना उसने, नमस्कार किया, ब्राह्मणों को दान दे चला गया। सवेरा उठा, नहा धोके सीधा जैतवन विहार में जाके भगवान को नमस्कार किया और बुद्ध से कहा तथागत मेरे पिताजी मुझे सपने में दिखाई दिए। फिर महाराज क्या किया? बोले मैंने बहुत सारे ब्राह्मण बुलाए, उन्होंने कहा तुम्हारे पिताजी मुक्त नहीं हुए, और यज्ञ करो और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दो, 100 ब्राह्मण खिलाओ तब वो मुक्त होंगे। तो ये बात समझने योग्य है बुद्ध किस तरह के वैज्ञानिक थे। तथागत ने क्या कहा, महाराज एक काम करो, 2 घड़े मंगाओ, एक में घी भरवाना, एक में कंकड़ पत्थर, और नदी पे लेके आओ, मैं भी वहीं पहुँचता हूँ। इधर से भगवान बुद्ध चलते, इधर महाराज पहुँचते, 2 घड़ों में एक में घी एक में कंकड़ पत्थर लेकर के नदी पे आते। भगवान बुद्ध कहते इसमें डाल, मुँह बंधवा देते, डलवा देते। महाराज से कहते लो ये लकड़ी, इसको फोड़ो। घड़ा को फोड़ दिया, और जब फोड़ा तो घी तो ऊपर आएगा, कंकड़ पत्थर नीचे चले गए। अब तथागत ने क्या कहा, महाराज उन सारे ब्राह्मणों को बुलाओ और पूजा करवाओ कि हे घी देवता पानी के अंदर चला जा, हे कंकड़ पत्थर पानी को पड़ जा। भगवान को ऐसा होगा नहीं, तो तुम्हारे पिताजी ने अगर घी जैसे कर्म किए होंगे तो कोई भी पूजा पाठ उसे नीचे नहीं ले जाएगी, अगर कंकड़ पत्थर जैसे कर्म होंगे तो कोई भी पूजा पाठ उसे ऊपर नहीं ला सकती है। महाराजा ने भगवान को नमस्कार किया, ये सत्य का दर्शन है। अगर उसको राजा को कह देते भगवान बुद्ध कि मुक्त नहीं हुए, स्वर्ग गए नर्क है, वो समझता नहीं। लेकिन जब विज्ञान का आधार बताया कि घी का क्या धर्म है, पानी के ऊपर आएगा ही, कंकड़ पत्थर का क्या धर्म है, पानी के नीचे जाएगा ही, कोई भी पूजा पाठ उसे ऊपर नहीं कर सकता, न ऐसे नीचा नहीं कर सकता। तो भगवान बुद्ध ने कहा, ये सत्य है, आपका कर्म कैसा था, चित्त की धारा। अभी हम लोग एक शनिवार को छोड़ के पिछले शनिवार को जन्म किसका और कैसे,
इसमें यहाँ अभी समझने की बात आएगी। अब आप ऊपर ऊपर तो समझेंगे, जब तक चित्त की धारा वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, क्या मेडिटेशन में ये समझ नहीं आएगा चित्त कर क्या रहा है। हम बैठते हैं 10 मिनट, पिछले बार बैठे थे ना, 10 मिनट बैठने के बाद 10 मिनट हम दावे के साथ कह सकते हैं, एक भी आदमी में पूर्णता पूरे 10 मिनट सांस नहीं देखी। 1 मिनट के बाद तत्काल आपका मन पहुंचता है, पहुंचता कि नहीं, सही बोल रहे सब लोग, 1 मिनट देखते सांस देख ली तो फिर हाल भागे, हाँ ये सत्य स्वीकारा कि मेरा मन गया, उसको फिर लाइए। अब किस में गया, राग में गया, दोष में गया, किस भावनाओं में तैर रहा है, क्योंकि मन की भावना है वही चित्त की धारा।